हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर हम इंश्योरेंस एजेंट हैं तो रोज की एक पॉलिसी हम रेगुलर बेसिस पे कैसे बेच सकते हैं। और सोचिए, अगर 365 दिन में से 50-60 दिन अगर माइनस भी करते हैं और 300 दिन भी अगर हम रोज की एक पॉलिसी अगर हम बेच के आते हैं तो 300 लाइव्स हमारे होते हैं। और किसी भी कंपनी के अंदर में आज लाइव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव्स हमारा एक बड़ा बेस तैयार करते हैं। इस विषय के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को अलग अलग सब्जेक्ट लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। आज का सब्जेक्ट है, एक दिन के अंदर में हम रोज की एक पॉलिसी हम कैसे बेच सकते हैं, 365 दिन में कम से कम 300 बीमे हम कैसे कर सकते हैं। चलिए विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जो शायद 365 दिन में मतलब पूरे साल भर के अंदर में शायद 25-30-50 लाइव्स कर पा रहे हैं, या कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 10-12-15 लाइव्स कर रहे हैं साल के अंदर में। शायद आपको ये भरोसा ना हो तो मैं आपको बता दूं कि दिन में दो दो लाइव्स, तीन तीन लाइव्स, पांच पांच लाइव्स करने वाले एजेंट अपने इस इंडिया में भरे पड़े हुए हैं। 500 500 पॉलिसियाँ, 600 600, 800 800 पॉलिसियाँ करने वाले बहुत सारे एजेंट्स अपने इस देश के अंदर में है। अभी रिसेंटली ये बात और ये टॉपिक मुझे इसलिए आया दिमाग में क्योंकि मैं दिल्ली में था, दिल्ली का कन्वेंशन था हमारा, और उस कन्वेंशन के अंदर में हमारे अजय कुमार जो पिछले 18 साल से कम 500 पॉलिसी, कभी 600 भी होती है, कभी 800 भी हुई है, कभी 700 भी हुई, लेकिन एवरेज अगर देखें 500 से नीचे पॉलिसी उन्होंने पिछले 17-18 साल में नहीं की है। सो उनसे बात करते करते और उनका जब इंटरव्यू लिया उसमें से ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया और आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि भरोसा करना है कि हम कर सकते हैं। अगर आप भरोसा करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग लिखेंगे भी, मुझे मालूम है जब इस तरह का टाइटल होता है तो बहुत सारे लोग कमेंट क्या करते हैं मालूम है, ये संभव नहीं है। तो मैं मन में आवाज़ देता हूँ, हर एक को जवाब कहाँ देते फिरूंगा मैं, मन में आवाज़ देता हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये तुम नहीं कर सकते हो तो तुम सही हो, तुम नहीं कर सकते हो। तो तुम अगर सोचोगे तो वो चीज़ हो सकती है, राइट। तो मेरे ये आइडिया भी कुछ काम आएंगे, अदरवाइज ये आइडिया का भी कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, अभी देखो कैसे रोज की एक पॉलिसी की जा सकती है, किस तरीके से रोज की एक पॉलिसी की जा सकती है। कुछ सालों पहले सूरत डिवीजन ऑफिस ने मेरा एक प्रोग्राम रखा था और ये मंथ भी कुछ इसी तरह का था, फरवरी और मार्च था। और देखिए दोस्तों, मैं हर सोमवार को अलग अलग सब्जेक्ट जो आपको जरूरी है उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। इसलिए कभी भी किसी भी सोमवार का वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, स्किप मत करो। क्योंकि बाद में अगर ये बहुत सारे वीडियो जो है, ये जो वीडियो है कुछ लोग कब देखेंगे मालूम है, अप्रैल में, मई में, जून में। अब एक्चुअल में इसकी महत्व और इसका इंपॉर्टेंस कब है तो फरवरी और मार्च के अंदर में इसका महत्व बहुत है। सो इसलिए जिस मंथ के जिस वीक में जो जरूरी होती है वो चीज मैं आप लोगों के बीच में यहां पे लेके आता हूं हर सोमवार में। तो सूरत डिवीजन ऑफिस ने जब मेरा सेमिनार रखा था तो उस सेमिनार का पर्पज ही यह था कि 1000 एजेंट, गांधी स्मृति भवन करके वहां का ऑडिटोरियम है, सो 1000 एजेंट मुकेश भाई तुम्हारे सामने बैठेंगे और ये 1000 एजेंट अगर 10-10 पॉलिसी भी पूरे महीने भर के अंदर में अगर करके लेके आते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो भी हर एक का टारगेट होता है, हर ब्रांच का टारगेट है, हर डिवीजन का टारगेट है, हर जोन का टारगेट है, इंडिया का, LIC का पूरा टारगेट है, वैसे एक इंडिविजुअल एजेंट भी अपना टारगेट के ऊपर में हम काम कर सकते हैं। हमारी कंपनी अगर अपने टारगेट पे काम करती है तो हम अपने टारगेट पे काम क्यों नहीं कर सकते। तो उनका ये टारगेट था कि 1000 एजेंट आपके सामने बैठेंगे और अगर एवरेज 10 की भी पॉलिसी अगर हो जाए तो हमारा डिवीजन का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये मकसद और पर्पस से सीनियर DM साहब और MM साहब ने मेरे को वहां पे बुलाया था, कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूं। शुरू में मैंने एक बात बताई, सभी 1000 लोग बैठे थे और मैंने उनको ये कहा कि अगर एक दिन में 10 पॉलिसी अगर करनी है तो चलो कितने लोग मानते हैं कि दिन में 10 पॉलिसी की जा सकती है, कितने लोग ये मानते हैं और कितने लोग ये नहीं मानते। अब मानने में कुछ लोगों ने क्या है सुना हुआ था मुझे, उनको मालूम था मुकेश भाई किस अंदाज में बात करेंगे, तो कुछ लोगों ने उंगली उठाई, मैक्सिमम लोगों ने। मैंने पूछा चलो कितने लोग ये मानते हैं कि ये
असंभव है, दिन में 10 पॉलिसी नहीं हो सकती है। तो उसमें एक भाई साहब, मतलब कुछ 25-30 हज़ार में से 25-30-40 लोगों ने उंगली उठाई होगी, उसमें से एक भाई साहब को आगे बुलाया और मंच के ऊपर बुला के मैंने उनको पूछा कि क्या आपको लगता है कि दिन में 10 पॉलिसी नहीं बिकी जा सकती है? असंभव है सर, अशक्य है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने उनको कहा चलो बात तो सही है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता है, ये तुम मानते हो, लेकिन चलो एक काम करते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 या 11 बजे थे, कुछ 10 से 12:30 बजे तक का कुछ तो भी सेशन रखा था। मैंने कहा अभी 10-10:30 बजे, आज अभी मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज रात के 12 बजे तक, आज का दिन कब तक खत्म होता है, रात के 12 बजे, तो आज के रात के 12 बजे तक अगर आपने 10 पॉलिसी नहीं बेची तो फर्ज करे, सोच ले कि मेरा यमराज के साथ बड़ा जबरदस्त सेटिंग है और यमराज ने मुझे कहा है कि साल में 5 लोगों के तू नाम मेरे को देना, तू जिसका नाम देगा उसको उठा के मैं लेके जाऊंगा। मेरा इस साल का टारगेट पूरा हो गया, 4 लोगों के नाम दे चुका हूं मैं, अब मेरा 5वां नाम देना बाकी है और मैं अभी ये 5वां नाम तुम्हारा आज दूंगा। 12 बजे तक तुम्हारा अगर मेरे को मैसेज नहीं आया या फोन नहीं आया कि सर मैंने 10 पॉलिसी कर ली है, तो मैं यमराज को तुम्हारे घर पे भेज दूंगा और तुम्हें उठा के लेके जाएगा। नहीं होता है, मालूम है मुझे भी, राइट? किसी का कोई किसी के साथ में, यमराजा के साथ में सेटिंग ही नहीं होता। सेटिंग होता ना तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की जरूरत ही नहीं होती है ना, हम सभी लोग सेटिंग कर लेते हैं। तो समझ लो कि ऐसा है, फर्ज करो, फर्ज करने की बात है, समझ लो अगर ऐसा है। सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, आज रात के 12 बजे तक 10 पॉलिसी बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे? वो हंसकर बोला, मुस्कुरा के बोला, बोले सर चख मार के बेचनी पड़ेगी। मैंने कहा तो फिर इसका मतलब क्या है कि 10 पॉलिसियां बेचनी है तो बेची जा सकती है? हम दोस्तों इस कदर काम नहीं करते हम लोग। चलो बात निकली है हम राजा की, तो अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, रोज की एक पॉलिसी हमें बेचनी है, रोज की एक पॉलिसी। चलो ठीक है, 10 पॉलिसी रोज की संभव नहीं है, मुझे भी मालूम है क्योंकि और भी तो काम हमारे होते हैं, बट रोज की एक पॉलिसी तो संभव हो सकता है। समझ लीजिए, फर्ज कीजिए कि यमराजा से आपकी सेटिंग है और यमराजा आपको आपके इलाके के 100 लोगों के लिस्ट दे रहे हैं, 100 लोगों के लिस्ट दे रहे हैं, और ये लिस्ट कौन से हैं? तो आपके इलाके में, आपके अगल बगल में ये 100 लोग यमराज जो है इस साल के अंदर में, 2023 के अंदर में उठाने वाला है, इसका लिस्ट है तुम्हारे पास में, नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सारी चीजें उसमें मौजूद है। अब ये 100 लोगों को ईश्वर इस साल में 2023 में चिट्ठी फाड़ने वाला है, आपके पास लिस्ट आया है। जरा सोचिए दोस्तों, इन लोगों के सामने जब हम जाके बैठेंगे, हाँ लेकिन सेटिंग ये है, यमराजा ने कहा है कि अगर ये लिस्ट लीक हुआ, मतलब तेरे अलावा किसी के भी हाथ लगा, किसी को भी पता चला, किसी को भी तूने बोल के दिखाया उस व्यक्ति को कि 2023 में तेरी चिट्ठी फटने वाली है, भले उसी दिन तेरे को उठा के लेके जाऊंगा मैं। फर्ज कीजिए अगर इस तरह का सेटिंग है और इस तरह की बातें हैं, अब आप ये 100 लोगों को आप मिल रहे हैं, ये 100 लोगों को आप जब मिल रहे हैं, जब भी मौका तो आएगा ना अपने इलाके में, तो कभी ना कभी तो उनका नंबर लगेगा और आपके पास तो ऑलरेडी एड्रेस और नंबर है। ये व्यक्ति को जब भी आप मिल रहे हैं दोस्तों, कसम से बोलना इसको पॉलिसी बेच के उठोगे कि नहीं उठोगे आप? कहना नहीं उसको कि 2023 में तू जाने वाला है, राइट? लेकिन आपको मालूम है कि ये 2023 को ये जाने वाला है, ये मना कर रहा है, ये पोस्टपोन कर रहा है, ये नहीं मान रहा है, ये नहीं सुन रहा है। अरे बॉस, हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन भाई तू क्यों नहीं समझ रहा है यार? तुम लेना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें लेना पड़ेगा। उसकी बीवी को बोला, भाभी ये समझाइए, आप ये आदमी को समझाइए।
ये सुन नहीं रहे, आप समझाइए कुछ, आप कुछ बताइए, आप क्यों नहीं बोलती कुछ? कुछ भी करोगे लेकिन आप एक पॉलिसी उठा के लेके आओगे उस व्यक्ति की। चलो दोस्तों, हमें लिस्ट तो नहीं देते, कोई भी नहीं देने वाला है कि कौन कौन से साल में जाना है, लेकिन हम सभी को कभी ना कभी तो इस दुनिया से जाना है। दोस्तों हम ये कहते हैं ना, अगर तुम न रहे। मुझे ये बताओ, ये अगर मगर वाला मामला है क्या? हम ये कह सकते हैं अगर तुम नहीं मरे, मतलब तुम्हारे पास चॉइस है मरो या नहीं मरो। अरे बॉस, जन्म लिया है तो कभी ना कभी तो ये दुनिया को छोड़ के जाना है। हाँ, कौन कौन सी उम्र में, कौन से डेट में, कौन सी तारीख में जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन ऊपर बुलावा कभी ना कभी तो सभी का आने ही वाला है। तो आज के बाद ना ये मत बोलो कि अगर हम जाए तो, ये बोलो जब हम दुनिया छोड़ के जाए तब हम ये सोचें कि हम हमारे परिवार के लिए क्या छोड़ रहे हैं। सो ऐसी अनेकों बातें दोस्तों। सो अगर ये सोच के आप किसी के भी सामने अगर बैठे हो तो आप उसको पॉलिसी बेचे बगैर उसकी कुछ ना सुनोगे। आप उसको पॉलिसी बेच के ही उठोगे। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं, हम SIP कराएंगे, हम म्यूचुअल फंड कराएंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। सब जरूरी है, मैं नहीं कहता हूं ये मत कराओ वो मत कराओ, ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, लेकिन जब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट पहले या इंश्योरेंस पहले, अगर ये सवाल अगर आता है तो मैं हमेशा कहूंगा कि सबसे पहले इंश्योरेंस, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इंश्योरेंस। अगर मैं, आप मुझे पूछो कि ऐसा क्यों, सोचिए, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने SIP लेके रखी है, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो गया और मैं अस्पताल में एडमिट हो गया, 1.5 लाख रुपए का बिल आएगा, ये जो 10,000 की SIP मैंने रखी है इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? लेकिन अगर मैंने 5 लाख 10 लाख का मेडिक्लेम लेके रखा हुआ है तो क्या होगा, मेरा 1.5 लाख रुपया वहां से आ जाएगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगी और ये भी सेफ रहेगी। चलो अगर उस एक्सीडेंट में किसी भाई साहब का राम नाम सत्य हो गया, अब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं था, तो परिवार को क्या मिलेगा? जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वही मिलेगा। लेकिन अगर भाई साहब ने 1 करोड़ की पॉलिसी लेके रखी होती और अब 10,000 का SIP भी चला रहे, लेकिन 10,000 का SIP को 2 साल हुए, तो 2 साल का चलो 15% रिटर्न के साथ भी रिटर्न मिला, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आजकल के जनरेशन के लोग समझ नहीं पा रहे, आजकल के यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मेरा ये मानना है सबसे पहले इंश्योरेंस, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। और इन्वेस्टमेंट में भी दो तरह के इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर्ड होना चाहिए और अनसिक्योर्ड होना चाहिए, राइट? ये मैं अलग अलग सब्जेक्ट में लेता हूँ, अलग अलग कोर्सेस में लेता हूँ। तो मैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि रोज की एक पॉलिसी कैसे बेची जाए। दोस्तों अभी इसी शुक्र और शनि रवि को मैं बेसिक कोर्स लेने जा रहा हूँ मुंबई के अंदर में। सो जिसको भी पधारना है आप जरूर पधारिएगा। और बहुत सारे लोग ये वीडियोस लेट देखते हैं तो डेट बता देता हूँ, 17, 18 and 19 February 2023 को, शुक्रवार शनिवार रविवार को मेरा बेसिक कोर्स यहाँ पे होने जा रहा है। दोस्तों जिनको भी अगर कोई भी कोर्सेस IOE के या सेमिनार्स आपके शहर में अगर आपको लगवाने हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर्स है उनको कांटेक्ट कीजिए, आपका शहर का नाम बताइए। और कांटेक्ट इस तरह से कीजिए जो शहर, मुंबई, हमारा 4 मेन ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड अहमदाबाद में, आपका शहर जिस भी ये 4 सिटी से नज़दीक है वहाँ पे आपको कॉल लगाना है और वहाँ पे उनसे बात करनी है आपको, राइट? सो डेफिनेटली अप्रैल के बाद हम अगर चाहे तो आपके शहर में आ सकते हैं। ये भी सुझाव इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अब जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, जिस भी शहर में जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मुझे मिलते हैं, सर YouTube पे आपको देखा था, पहली बार रूबरू मिलने का मौका मिला, सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे शहर में आए। अच्छा लगता है कि जब इस तरह के दोस्त, तो YouTube दर्शक जो भी हैं,
अगर रूबरू आप चाहते हो कि आप शहर के अंदर में मैं सेमिनार लेके आऊं, तो आप नंबर पे कॉल कीजिए, आपका थोड़ा सहयोग दीजिए, हम लोग जरूर वहां पे, हमारे और भी लीडर्स हैं, शायद मैं अगर डेट ना दे पाऊं, हमारे और लीडर्स भी आपके शहर के अंदर में जरूर आ सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, लास्ट में मैंने आपको कहा था कि एक जबरदस्त बात मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि दिन की एक पॉलिसी जरूर बेच सकते हैं। देखिए क्या है मालूम है, अगर हम रोज की एक पॉलिसी अगर नहीं बेचते हैं, तो हम स्टेक पे क्या रखें? व्हाट इज ऑन स्टेक? स्टेक पे कुछ नहीं रखा है, कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। कल मैं कैलकाटा में था और कैलकाटा का बड़ा जबरदस्त सेमिनार हो गया, उसमें एक यंग लड़का, 24 साल का लड़का, 24 ईयर का लड़का, 18 साल का था तब उसने एजेंसी लिया, और आज छठे साल में वो सीओटी करके कल स्पीच दे रहा था, रवि रंजन करके हैं, आसाम के किसी एक छोटे से गांव से बिलोंग कर रहा है। उसने एक बहुत सुंदर बात बताई, उसने बेसिक कोर्स किया था पारस जैन के अंडर में, तो रवि रंजन ने कहा कि किसी कोर्स में पारस भाई ने ये बताया था, हम हमेशा से ये चीज बताते हैं कि अगर रोज की एक पॉलिसी नहीं बिकी, समझो अगर नक्की किया और नहीं बिकी, तो क्या करना है, कुछ दाव पे रखो। तो उसने दाव पे क्या रखा, बोले सर मैं हार्डकोर फैन हूं नॉन वेज का, नॉन वेज रोज मुझे चाहिए, मैंने कसम खा लिया कि जब तक मैं सीओटी नहीं करूंगा तब तक मैं नॉन वेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। हमारे कई दोस्त हैं, जो अजय कुमार जी का मैंने जिक्र किया, दिल्ली में उन्होंने बताया था 500 पॉलिसी कैसे होती है मालूम है, उन्होंने कसम खाया है, मेरे किसी क्लास के अंदर में मैंने जब ये बात बताई थी, उस दिन से कसम खाया कि रोज की एक पॉलिसी बेचूंगा, और जिस दिन पॉलिसी नहीं बेची उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, उस दिन का डिनर मैं स्किप करूंगा। सर ऐसा अगर करता हूं तो क्या होता है कि रोज की एक पॉलिसी तो कंपलसरी हो गई, तो 300 तो हो ही गई, और कभी दो बिक गई कभी तीन बिक गई, तो ऐसा नहीं कि तीन बिक गई तो कल एक नहीं बेचनी, रोज की एक बेचनी है, तो ऐसे कभी 500 हो जाती, कभी 600 हो जाती, कभी 700 हो जाती, कुछ तो स्टेक पे रखो। मेरा भी रिसेंट पुणे के एक बेसिक कोर्स में हमारे एक पार्टिसिपेंट आए थे, और उन्होंने कहा कि मुकेश भाई ये बेसिक कोर्स ऐसा है कि मुर्दे में भी जान फूंक देता है, तो उन्होंने कहा कि सर अब मैं टीओटी करके मैं अपना मुंह तुम्हें दिखाऊंगा, टीओटी करके मैं आपके सामने आके बैठूंगा। मैं समझ गया कि हमारे ये भाई साहब अभी अगले कोर्सेस में जब तक टीओटी नहीं करेंगे तब तक आएंगे नहीं। तो मैंने उनको कहा कि बॉस दाव पे आप मुझे क्यों रखते हो, अगर दाव पे रखना है तो स्वीट छोड़ दो कि जब तक मैं टीओटी नहीं करूंगा तब तक मैं स्वीट को हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर दाव पे रखना है तो ये रखो कि जब तक मैं रोज की एक पॉलिसी नहीं बेचूंगा मैं खाना छोड़ दूंगा, अगर आप दाव पे ये रखोगे कि जब तक मैं टीओटी नहीं करूंगा या जब तक मैं एमडीआरटी नहीं करूंगा तब तक मैं डीओ को नहीं मिलूंगा, ये तो गलत बात है ना भाई, मेरे एजेंसी मैनेजर को नहीं मिलूंगा, मेरे सीनियर को नहीं मिलूंगा, ये तो गलत बात है। अच्छा सीनियर को मिलोगे तो पॉलिसी अब बिकने की संभावना बढ़ेगी, या सीनियर को नहीं मिलोगे तो पॉलिसी बिकने की संभावना बढ़ेगी? वैसे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो टीओटी जल्द होने की संभावना है, टीओटी दूर होने की संभावना है, जितने ज्यादा मिलोगे जितने ज्यादा कनेक्शन में रहोगे। अगर आपने कसम खा लिया कि मैं अभी अगले सोमवार की कोई भी वीडियो नहीं देखूंगा जब तक मैं सीओटी ना कर लूं, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर मंडे वीडियो देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओ तो कब सीओटी कर लोगे पता ही नहीं चलेगा, राइट? सो ये सब काम करने के तरीके मैंने अभी आपको बताए, सो अगर डिसाइड आप करोगे तो रोज की एक पॉलिसी भी आप बेच सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, अगले सोमवार को एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में पेश होऊंगा, धन्यवाद। मेरा नाम है प्रदीप प्रभाकर सावंत, मैं ब्रांच 88 के से बिलोंग करता हूँ, मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर अतुल कोयंडे। मेरा मुझे इधर भेजने वाले मेरे रिस्पेक्टेड हरीश पंडित और साथ ही साथ आना का कदम, इन्होंने मुझे इधर भेजा है आईओई में ज्वाइन होने के लिए। मैं लास्ट अभी ये रिसेंटली जो आईवी का बेसिक कोर्स और साथ ही साथ उसके साथ एडवांस कोर्स मैंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करने के बाद मुझे जो पता चला है जो मेरा इनकम हो गया है इसका फीस जो है 40,000 है दोनों मिला के। इसके बाद 40,000 के इनकम के ऊपर मैंने 40,000 में जब इन्वेस्ट किया उसके बाद जो मैंने इनकम किया आज तक जो 3 महीने के
3 महीने का एक कोर्स रहता है। 3 महीने का इसमें मैंने 4 लाख अभी तक मैंने कमाया हुआ है।